खबर मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां बरगवा में शासकीय भूमि पर माफियाओं का कब्जा करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शासकीय भूमि नजूल में दर्ज खसरा नंबर 158 160 की भूमि, जो कि कई एकड़ में फैली हुई है, उस पर भू माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज के माध्यम से कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, इस भूमि का इस्तेमाल माफिया कमर्शियल व्यवसायिक के रूप में भी कर रहे हैं। मामले की कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासनिक अमले के कान में जू तक नहीं रेंगा और भू माफिया अपने पैर पसारते चले गए। आलम यह है कि जल स्रोत खदान तक को कब्जे में ले चुके हैं और दबंगई के साथ निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता आशीष सोनी व जित्तू ठाकुर ने कोर्ट में हलफनामा देकर बेजा कब्जे को रोकने कार्यवाही करने की मांग की है, जिस पर स्टे ऑर्डर भू माफिया संजय बजाज लगाया गया है और स्टे ऑर्डर के बावजूद निर्माण जारी रहा। उसके बाद न्यायालय में शिकायत करने के बाद न्यायालय ने गंभीरता दिखाई और नजूल और रेलवे को आदेश कर 15 दिवस में नाप जोक वास्तविकता स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए, जिस पर आज नजूल और राजस्व व रेलवे की संयुक्त टीम सुबह से ही मौके पर पहुंचकर नाप जोक कर रही है और अपनी रिपोर्ट न्यायालय के सुपुर्द करेंगे। नगर निगम सीमांतर का आने वाले मदन मोहन चौबाट बरगवा में देसी शराब दुकान के बगल से भू माफिया संजय बजाज निवासी हाउसिंग बोर्ड के द्वारा रेलवे के खसरा नंबर 160 और शासकीय नजूल भूमि खसरा नंबर 158 एक पर कब्जा करते हुए बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसकी शिकायतकर्ता आशीष सोनी जी के द्वारा लगभग 8-9 महीने से जिला प्रशासन को लगातार की जा रही थी। रेलवे विभाग को भी इनके द्वारा शिकायत की गई है। प्रशासन के द्वारा तो कोई भी कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई है। नगर निगम के द्वारा मात्र नोटिस जारी करके अपने एफिसरी पूरी कर ली गई थी। रेलवे ने इनकी शिकायत पर संज्ञान लिया। संज्ञान को लेते हुए राजस्व मंडल और अपने विभाग के द्वारा इसका पंचनामा बनाया गया था। पंचनामा में पाया गया कि संजय बजाज के द्वारा रेलवे की संपत्ति पे कब्जा किया गया है, जिस पर रेलवे के द्वारा 18 जनवरी 2024 को इसको तोड़ने के लिए संजय बजाज को नोटिस जारी किया गया था। संजय बजाज के द्वारा रेलवे के द्वारा जारी नोटिस के विरुद्ध में माननीय हाईकोर्ट के शरण लेते हुए रिट याचिका 825/2024 लगाई गई थी, जिसपे हाईकोर्ट ने इसमें स्थगन आदेश जारी कर दिया था। स्थगन आदेश की आड़ में भू माफिया संजय बजाज के द्वारा लगातार कई महीनों से काम चालू था, जिससे आशीष सोनी जी के द्वारा दुखी होकर माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली गई। WP 825 में इंटरवेनर बने गए और वहाँ पर पूरे तरीके से केस लड़ा और हाईकोर्ट ने इनकी शिकायत को सही पाते हुए संजय बजाज के द्वारा लगाए गए रिट याचिका को खारिज करते हुए शिकायतकर्ता आशीष सोनी की रिट याचिका इंटरवेनर को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करते हुए जिला प्रशासन को 30 दिवस के अंदर यह आदेशित किया गया है कि डे बाई डे सुनवाई करते हुए उक्त स्थल का फिर से सीमांकन किया जाए और सीमांकन में पाया जाता कि इनके द्वारा शासकीय भूमि या रेलवे की भूमि पर कब्जा किया गया है उसको तोड़कर हटाया जाए। आज तो माननीय उच्च न्यायालय ने एक जिला स्तरीय दल गठित किया जाकर और एक माह में खसरा नंबर 160 की सीमांकन की कार्रवाई की जाकर जानकारी चाही गई है, उसके परिपालन में अनुभागीय अधिकारी राजस्व पटनी द्वारा एक जिला स्तरीय दल गठित किया गया था और उस दल के अनुपालन में आज ये सीमांकन कार्रवाई की गई है। खसरा नंबर 160 की पैमाइश की जानी है और उसकी सीमाएं ज्ञात की जानी है, बस इतनी कार्रवाई है।